तो भाई मेरे पास जो आज जो चीज है ना इस डब्बे में, इसको देख करके एकदम बूम बाम सा होने वाला है और आप लोगों का दिल एकदम खुश हो जाने वाला है। इस तरह से इसका फाड़ छीड़ कर लेते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करने को होता। देखो गाइस, इसको ये करने के बाद में ना आपको बस सिंपली ऐसे पुल करोगे तो आ जाएगा। एंड ये रहा, ओ भाई वजन है इसमें तो इतना बड़ा डब्बा है एक्चुअली। एंड इसको जब हमने ओपन किया तो इसके अंदर में क्या निकला भाई साहब, ये इसको हम यहाँ रखते हैं, साथ में कुछ ये और बाकी खाली डब्बा है जिसको भाई कुछ ज्यादा ही आवाज आया। तो ये है सबसे पहले गाइस हमारे पास पीट्रॉन की तरफ से आने वाला एक साउंड बार जिसका नाम है फ्यूजन। उसके पहले एक और चीज है इस डब्बे के अंदर में, एंड इसको हम गाइस जैसे ओपन करते हैं, टेक वाली चैनल है, कुछ और भी चीजें मंगाते रहता हूँ। बाकी ये है गाइस सेट वेंट, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने यूज किया ही होगा। बाकी बताना अगर इन सभी प्रोडक्ट का भी रिव्यू चाहिए तो मैं कर दूंगा। बाकी गाइस फिलहाल आप लोग देख लो कुछ ऐसा है, इसको गाइस हम साइड में रख देते हैं। मेन मुद्दे की बात है इस वीडियो के लिए गाइस, ये वाली प्रोडक्ट जिसके लिए मैं क्रेजीली वेट कर रहा था भाई साहब। 4 दिन पहले मैंने ऑर्डर किया, नहीं 6-7 दिन हो गया ऑर्डर किया, एंड भाई लिटरली मैं इसके लिए वेट कर रहा था क्योंकि ये नया लॉन्च है पीट्रॉन की तरफ से आने वाला लेटेस्ट फ्यूजन कॉन्सर्ट, एंड ये है 24 वॉट्स का वायरलेस साउंड बार। भाई साहब वायरलेस साउंड बार है एंड लिटरली दमदार साउंड आने वाला है। सब मैं चीजें आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो पे। आप क्या करो, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बस इतना ही करना है, ठीक है? ओके, सबसे पहले बात करते हैं तो दोस्तों यहां के ब्रांडिंग देखा जाए, पीट्रॉन की ब्रांडिंग है, यहां पे फ्यूजन कॉन्सर्ट लिखा हुआ है, 24 आवर्स वायरलेस वॉट्स का साउंड बार है, एंड यहां पे गाइस इमर्सिव साउंड लिखा हुआ है, ड्यूल स्पीकर का सिस्टम है, बी लाउड बी प्राउड। आप भी सब्सक्राइब बटन दब करके बी लाउड बी प्राउड हो जाओ, लाउड से दबाओ। एंड साथ में गाइस यहां पे आरजीबी लाइट भी आएगा एंड TWS फंक्शनैलिटी भी है जैसा कि देख सकते हो। एंड ऊपर में अगेन 24 ड्यूल स्पीकर, सेम चीज यहां पे लिखा गया, पीछे में सेम चीज है अगेन, एंड यहां पे बाकी सभी काम की चीजें वगैरह लिखा हुआ। तो गाइस इसको जल्दी से सील तोड़ते हैं यहां से, एंड इसको गाइस सिंपल से ये वाला कुछ ऐसे निकल जाएगा, इसको भाई साहब यहां रख देते हैं, ठीक है? पता चलना ना चाहिए वीडियो में इसी का रिव्यू हो रहा है। तो अब देखो गाइस यहां से इसको जो है ओपन करने का ऑप्शन है, इसको हम जैसे ही ओपन करते हैं हमें सबसे पहले बॉक्स के अंदर में जो है ना कुछ मटेरियल्स मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा काम की आती है। सबसे पहले तो वे स्कैनर वगैरह स्कैन करके इसके मैनुअल्स वगैरह बाकी चीजें वगैरह और वारंटी वगैरह कर सकते हैं, इसको साइड में रखते हैं। एंड इसके साथ में गाइस हमें जो पहला चीज मिलता है एक टाइप ए टू टाइप सी वाला केबल जो ऑफकोर्स इसको चार्ज करने के लिए काम आएगा। एंड नेक्स्ट आ जाता है गाइस ऑक्स केबल, यानी दोनों साइड ऑक्स केबल है तो ऑक्स के जरिए भी इसको चला सकते हो, ठीक है? अब बॉक्स के अंदर में गाइस कुछ इस टाइप की कंटेंट हमें देखने को मिल जाता है, पूरा प्लास्टिक का पैकेजिंग, एकदम सिक्योर पैकेजिंग है, मतलब देख सकते हो अच्छा खासा अमेज़न ने ये अच्छा किया कि इतना बड़ा पैकेज दे दिया है और एकदम सेफली सिक्योरली प्रॉपरली बिना कुछ डैमेज हुए आया है यहाँ पे, बट वो भी चेक करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से इसका जो है कवर निकल जाएगा गाइस, एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है साउंड बार। तो गैस जैसा कि फर्स्ट लुक पे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे गैस इस तरह से आ जाएगा, पीट्रॉन की ब्रांडिंग लेके रखा है एंड यहाँ पे पूरा ही मेटल का मेश देके रखा है जो कि ब्लैक कलर में है। एंड साइड की बात करें तो कुछ भी बटन नहीं है, पीछे की तरफ देखा जाए तो एक ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे आपको ऑक्स केबल का इन पोर्ट है, एक यूएसबी पोर्ट देके रखा है, साथ में एक मेमोरी कार्ड भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, एंड टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट देके रखा है। एंड साथ में अगर ऊपर की तरफ बात करें तो भाई एक स्पीकर का ग्रिल देके रखा है जो कि आरजीबी लाइट यहाँ पे जलेगा। वीडियो में बने रहो, आपको मजेदार देखने को चीज मिलेगा। एंड यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे गाइस मोड चेंज करने का बटन देके रखा है, वॉल्यूम प्लस और माइनस, एंड इसी से सॉन्ग वगैरह प्लस और माइनस कर सकते हो, आगे नीचे कर सकते हो, एंड प्ले एंड पॉज का बटन है। एंड सामने एक डिस्प्ले देके रखा है। अब इसको जल्दी से ऑन करते हैं गाइस, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं। एंड जैसे इसको ऑन करते हैं पावर ऑन का, तो कुछ इस तरह से पावर ऑन ब्लूटूथ मोड का साउंड आ गया है, एंड यहाँ पे ब्लूटूथ लिखा हुआ है, एंड प्ले पॉज मैन। भाई साहब ये स्टिकर, इसको निकालते हैं, ये वो इसको निकालने में ना गाइस जो सैटिस्फैक्शन है गाइस, दुनिया में और कोई सैटिस्फैक्शन नहीं है, इसी बात पे लाइक ठोक दो। तो गाइस आप यहाँ पे देख रहे हो ब्लू करके लिखा हुआ, पॉज करके है, मतलब ये अभी ब्लूटूथ मोड में है। एंड साथ ही गाइस इसकी मोड जा करके आप जो है ना इस वाले बटन से चेंज कर सकते हो, जैसे मैं इसको दबाऊंगा देखना FM mode. तो ये FM मोड में चला गया, फिर से दबाऊंगा तो ब्लूटूथ मोड में चला जाएगा, एंड अगर हम ऑक्स को कनेक्ट करते हैं तो ये डायरेक्टली आई थिंक बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके ऑक्स मोड में चला जाता है। तो ये होगी फंक्शनैलिटी। एंड ओवरऑल आप लुक थोड़ा सा देख लो, अब जो आरजीबी यहाँ पे जो लाइट जल रहा है गाइस,
यहाँ पे इसका क्या ही मस्त लुक देके आ रहा है। ये ऑटोमेटिकली कलर्स वगैरह चेंज करते जा रहा है, रैंडम से कलर जो है ना चेंज होता है यहाँ पे। एंड इसको हमने थोड़ा सा टेस्ट किया था भाई साहब, ये क्रेजी हिप करता है। मैं अब जो ना इसको कनेक्ट करके कुछ गाने वाने सुनाता हूँ आपको। बाकी गाइस ये जो है इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन अनबॉक्सिंग वाली वीडियो, इसका टोटल इनडेप्थ रिव्यू वीडियो भी बहुत जल्द चैनल पे आ जाएगा। आप लोग जल्दी से भाई साहब बस 100 लाइक कर दो एंड इसका जो भी आप टेस्ट करने बोलोगे सब चीज का वीडियो आएगा यहाँ पे। तो जल्दी से गाइस इसको जो ना मैं फिलहाल के लिए लैपटॉप पे कनेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे कनेक्टिंग प्रोसीजर एकदम सिंपल है, जैसा मोबाइल से कनेक्ट करते हो, ब्लूटूथ ऑन करो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेम फंक्शनैलिटी यहाँ पे भी है, ब्लूटूथ हमने ऐसे सेलेक्ट कर दिया। अब देख सकते हो यहाँ पे ब्लूटूथ में पीट्रॉन साउंड बार करके आ जाता है, पीटी साउंड बार। इसको हम कनेक्टिंग मोड पे डाल देते हैं, देखते हैं। तो कुछ इस तरह से ये साउंड करता है जैसे कनेक्ट हो जाता है। अब इसमें जो ना कुछ प्ले करते हैं, सबसे बड़ा फेवरेट हमारा क्रेडल प्ले करेंगे गाइस। ओहो माउस आ जा। एंड आपको जो है ना ये साउंड क्वालिटी वगैरह भी मैं सुनाता हूँ। माइक को जो है इसके पास में रख देता हूँ और देखना किस हिसाब से क्या क्रेजी वाली साउंड क्वालिटी इसकी आती है। ये थोड़ा कम वॉल्यूम पे है, ये करीबन 50% वॉल्यूम पे है, इसको 100% करते हैं। अब जो है ना थोड़ा बेस वाले भी गाने सुनते हैं, बेस के भी दिखाता हूं मैं आपको। और इन सभी बेस को चेक करने के लिए फॉर हवा एंड अमीना से बेहतर और कौन सा ट्रैक हो जाता है जो कि मेरा फेवरेट है, आप लोगों को भी बताया। अगर चैनल को फॉलो करते हो नहीं तो सब्सक्राइब कर दो अभी। और जैसे जैसे ये बीट्स आ रहा है ना, ये एक्चुअली जो है ना पंप कर रहा है गाइस। ये वाला जो देख रहे हो ना, ये पंप कर रहा है। अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा तो देख सकते हो ये हिलता है, तो ये बीट्स के हिसाब से हिल रहा है। भाई सबसे बढ़िया बेस जो है ना यलगार को चलाते हैं, कोई कॉपीराइट का इश्यू नहीं आएगा, क्या बोलते हो? भूख भी तो मैंने ही मिटानी है, इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत, सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया, रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया, फिर भी इन्होंने सारा धंधा मेरा खाया। तो वैसे अगर ओवरऑल मैं बात बताऊं इसकी, तो वैसा मैंने कुछ देर सुन करके देखा, अलग अलग टाइप के गाने वगैरह सुना के देखे, वैसा बेस एकदम ही तगड़ा है। साउंड बार भाई साहब लिटरली अपनी वैल्यू फॉर मनी अंडर 2000 में एक बेस्ट यू नो साउंड बार बन जाता है। बट ये तो जो है मेरा इनिशियल इंप्रेशन था, आपको थोड़े बहुत म्यूजिक वगैरह भी सुना दिया। एंड ब्लूटूथ से ये जो ना वायरलेस से कनेक्टिविटी से पूरा कनेक्ट हो जाता है, मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो, एप्स कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप से प्ले कर सकते हो, और इसका वॉइस वोकल्स वगैरह सब चीज बैलेंस अभी देखने को मिल रहा है। बट इसका जो ना प्रॉपर टेस्ट वीडियो गाइस हम प्रॉपर से करके देखेंगे, कुछ दिन यूज करेंगे। ये तो जस्ट अभी डिलीवर हुआ एंड एक्साइटमेंट के द्वारा मैंने ओपन करके आप लोगों के लिए फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो बना दिया। बट हाँ, इसका जो है ना प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह मैं क्या क्या यूज करूँ, क्या क्या करें,
एंड सब चीज का कुछ भी आइडियाज वगैरह देना चाहते हो तो नीचे वाला कमेंट सेक्शन में बता देना और जो भी क्वेश्चंस वगैरह दे देना, ताकि एक दो दिन के बाद में जब मैं इसकी वीडियो बनाऊं मंडे या ट्यूजडे तो आपको जो है ना उसका प्रॉपर पूरा डिटेल में दे पाऊं। बाकी अपने तरफ से हर तरह की टेस्ट वगैरह करेंगे। सबसे बड़ा एक्साइटिंग मुझे लग रहा है गाइस ये वाला जो आरजीबी है, ये जब म्यूजिक बजता है भाई साहब ये थंप करता है, ये मूवेबल है ना, हिलता है और बेस गाइस एकदम तगड़ा है। हमने टोक्यो ड्रिफ्ट चला के देखा, सात समुद्र चला के देखा, हाई मिड्स लोस एंड झनकार ट्रेबल हाई ट्रेबल वाला भी गाना चला के देखा, स्टीरियो सेपरेशन वगैरह तगड़ा आता है ड्यूल स्पीकर वगैरह होने की वजह से। एंड आज रात में जाकर के इसकी मूवी भी देखूंगा, इसके ऊपर देखते हैं मूवी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बट वो सब जो है ना सब चीज का रिव्यू जो है आपको अगली वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और क्या, वीडियो खत्म होगी, मैं मिलता हूं आपसे अगली वाली वीडियो, तब तक के लिए बाय।